आज हम लोग सीखेंगे ये पोर्टुलाका, ये भी पोर्टुलाका एक वैरायटी है। ये कैसे आप घर में कटिंग करके बना सकते हैं। इस प्लांट का कटिंग लगाने के लिए पहले ये मेरा दही का एक, इसमें दही मिलता है, इसको नीचे मैंने होल कर लिया था। इसमें मिट्टी डाल के मैं थोड़ा सा पानी इसमें, ताकि थोड़ा सा भीग जाए मिट्टी। अभी इसको सिंपल आपको ऐसे लेके इसमें आपको डाल देना है। इस पेड़ के लिए आपको जड़ की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही जड़ पकड़ लेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अभी जब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा मैं फिर से कटिंग करके इसमें डाल दूंगी, या बाकी का जो भी पॉट में है मेरा ये प्लांट उसमें डाल दूंगी। ये फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह को ये खिल जाएगा। आप देख सकते हैं इधर फ्लावर था, सुबह को खिल जाएगा, फिर शाम को बुझ जाता है, फिर नेक्स्ट डे और भी ये जो इसका फ्लावर का जो है इससे फ्लावर निकलेगा फिर से। अब जितना कटिंग करेंगे ये उतना फैलता जाएगा, और इसके लिए इसका मिट्टी में उतना कुछ भी आपको कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल प्लेन मिट्टी। और ज़रूरत पड़े तो आप घर का जो कंपोस्ट होता है सब्जी से जो बनता है वो थोड़ा सा हो सके तो डाल सकते हैं बस, और कुछ इसमें हाई मेंटेनेंस कुछ ज़रूरत नहीं है। पानी जब आपको लगेगा मिट्टी सूख गया है, जैसे उंगली डाल के आप देखेंगे, अगर लगेगा मिट्टी सूख गया तभी पानी डालने का, नहीं तो पानी ओवर वाटर नहीं करने का, और फुल सनलाइट में इसको रखना है। टोटली अगर फुल्ली सनलाइट में अगर आप इसको रखेंगे तब आपको फ्लावर बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा छाव में रख देंगे तब आप देखेंगे प्लांट बढ़ता जाएगा बट फ्लावर नहीं आएगा। तो इसको टोटली सनलाइट में, जिधर आपको दिन में कम से कम 6 आवर्स मिनिमम फुल सनलाइट हो उधर आपको ये प्लांट रखना है। गर्मी के दिनों में तो बहुत अच्छा फ्लावर इसमें इसलिए आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।